हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ गुड हेल्थ कैप्सूल का रिव्यू। इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन कामों में आता है और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, दोस्तों ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ज़्यादा ना वक्त गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है डॉक्टर विश्वास का गुड हेल्थ कैप्सूल। सबसे पहले इसकी पैकिंग वगैरह देख लेते हैं, किस तरीके का इसका पैक है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों, इस एक बोतल के अंदर 50 कैप्सूल आते हैं। और बात करते हैं इसके MRP की, तो दोस्तों 232 रुपये इसका MRP है। लेकिन दोस्तों, जब आप इसको परचेज़ करने जाओगे केमिस्ट पे, तो आप डिस्काउंट के लिए ज़रूर बोलना, क्योंकि इस दवाई पे डिस्काउंट होता है। अगर आप डिस्काउंट के लिए बोलोगे तो आपको 10-15% तक का इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों, इस बॉटल के ऊपर भी कंपनी ने अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप कंपनी से कुछ पूछ भी सकते हैं। और दोस्तों, कंपनी का दावा है कि ये बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है और हर्बल मेडिसिन है, और जो इसके इंग्रेडिएंट्स में पड़े हैं वो भी प्योर हर्बल और आयुर्वेदिक हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का इसका पैक है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या है, किन किन कामों में ये आता है। तो दोस्तों, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो ये भूख भी बढ़ाएगा, और आपके अगर शरीर में खून की कमी है तो खून की कमी को भी पूरा करेगा। और दोस्तों, अगर आपके लीवर में कमी है तो आपके लीवर को भी हेल्दी और स्ट्रांग बनाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका हाजमा भी ठीक नहीं रहता है, कब्ज रहता है, पेट सही नहीं रहता है, तो दोस्तों ये उसमें भी काम करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, इसको आपको एक एक कैप्सूल सुबह शाम पानी के साथ लेना है, और आपको रेगुलर इसको 1.5 से 2 महीने तक इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों इसका कोर्स होता है। आप इसको 2 महीने तक कम से कम लें, तभी आपको इससे बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद आपको मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इस दवाई को आप जो है एकदम मत छोड़ना, धीरे धीरे करके ही छोड़ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग इसको रेगुलर खाते हैं और खाने के बाद जब शरीर हेल्दी हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो एकदम से उसको छोड़ देते हैं, और उस पोजीशन में क्या होता है दोस्तों कि भूख लगना कम हो जाती है और शरीर जो है ना धीरे धीरे डाउन भी होने लगता है। तो दोस्तों, जो लोग दुबले पतले हैं उन लोगों को कम से कम 2 महीने से ज़्यादा इसका सेवन करना चाहिए, तो उनका स्ट्रांग शरीर भी स्ट्रांग हो जाएगा और हेल्दी हो जाता है और मोटा भी हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका यूज़ करें। और बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो दोस्तों, इसका साइड इफ़ेक्ट एक मेन बस वही है कि अगर आप इसको एकदम से छोड़ दोगे खाना, तो आपको जो है ना भूख लगना कम हो जाएगी और धीरे धीरे शरीर भी थोड़ा सा हल्का हल्का डाउन होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसको धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है। जैसे आपने 2 महीने का इसका कोर्स पूरा कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, दिन में एक कैप्सूल खाना है। जैसे कि पहले आप सुबह शाम खाते थे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक कैप्सूल सुबह, क्या नाम है, एक दिन में एक ही कैप्सूल खाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक दिन का गैप करके खाना है, फिर 2 दिन का गैप करके खाना है, फिर 3 दिन का गैप करके खाना है। तो आपको एकदम नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे इस दवाई को हल्के हल्के से करके इसको छोड़ दो। जैसे कि आप पहले सुबह शाम खाते थे, तो उसके बाद क्या करना है, तो दिन में एक बार खाओ, कुछ दिनों तक, 10 दिन तक दिन में एक बार कर दो। फिर उसके बाद क्या करना है कि एक दिन छोड़ के खाओ, फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ के, फिर 3 दिन छोड़ के। इस तरीके से आप इसको जो है धीरे धीरे करके छोड़ना। तो दोस्तों, इसी तरीके से इसका यूज़ करना। और बाकी ये आयुर्वेदिक कैप्सूल है और अच्छी दवाई है, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। अगर आप दुबले पतले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि दुबले पतले लोगों के लिए ये दवाई बहुत अच्छी है, उनका शरीर स्ट्रांग भी हो जाता है और शरीर जो है हल्का सा मोटा भी हो जाता है। तो दोस्तों, इसके क्या क्या यूजेस थे, क्या क्या बेनिफिट्स थे और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और दोस्तों, आपको कुछ पूछना हो या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।